तो अभी बी न्यूज 24 का जो चुनावी सफरनामा है वो सीतामढ़ी के मधुबन चौक पर आ चुका है, और उस तरफ जो है वार्ड 21 है, जो आप रोड के इस तरफ देख रहे हो ये वार्ड 21 है, और इधर जो है 16 वार्ड है। तो यहाँ पे दो वार्ड का एक सीमा लगता है, एक बॉर्डर है 21 और 16 का। और हम यहाँ पर आए हैं लोगों का रुझान जानने के लिए कि वो मेयर में किसको पसंद कर रहे हैं, उप मेयर में किसको कर रहे हैं, और पार्षद में किसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं बात करता हूँ इनसे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ? राजदेव दास। और कौन से वार्ड में आपका घर है? 21 में। 21 में। तो इस बार मेयर में किसको पसंद कर रहे हैं, मेयर चेहरा में किसको देखना चाह रहे हैं? मेयर में तो तीन को लाइट में खूब आ रहा है। जैसे नाम बताइए। सुवंश राय। अच्छा। श्याम नंदन कुमार। और ये एक्सोई है, क्या कहता है नाम, अरे पूरा इधर आ जाइएगा, रास्ता छोड़ दीजिएगा। और कौन कौन बोले? सुवंश राय और श्याम नंदन। हाँ। एक आवाज ये है अमीरी लाल। अमीरी लाल मुखिया। तो आप इन तीनों में से किसको देखना चाह रहे हैं? आए आपको कौन पसंद है? हमको तो अभी जिसको देखेंगे अति तैसे दे देंगे। अभी अपना पसंद नहीं है कि मुझे किसको फोन। अच्छा, पार्षद में किसको देख रहे हैं? आए जो वार्ड कमिश्नर में किसको देख रहे हैं? वार्ड कमिश्नर में जो है कि हमारे वार्ड में 21 में खड़ा है 14 आदमी। तो 14 आदमी जो कौन कौन पसंद? 14 आदमी हम लोग देख रहे हैं, जिसका मत ज्यादा होगा उसी को देंगे। अच्छा। अभी को यही बात। आपको कैसे पता चलेगा कि मत ज्यादा है? हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इनका कोई फैसला नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? हमारा नाम प्रकाश दास। कौन सा वार्ड में घर हुआ? हमारा 6 वार्ड में है। 21 पुराना 6 था। जी जी जी। तो इस बार किसको देख रहा? मेयर चेहरा कौन पसंद है? मेयर में किसको बनाना चाहते हैं? मेयर में तो हम लोग सोचे हुए हैं बाजार वाला के देंगे। बाजार वाला किसको? जी किसको देंगे बाजार वाले? अभी तो बाजार में तो विशाल गौरव भी है, सुभंश राय भी है, और भी कई लोग हैं, तो किसको देंगे? मुर्गा छाप वाला हम लोग। मुर्गा छाप। जी, जी जी। और कमिश्नर में? कमिश्नर में तो सर हम तो हमको तो न मालूम है, नहीं पता ना। और वह उपमेयर, उपमेयर में मेयर को तो बोलता है उपमेयर में। इस बार 6 गो मशीन होगा बूथ पे जी, वोट डालने के समय। चलिए, तो इनका अपना पसंद है। और आपको और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बताते, चलिए इधर आते हैं। क्या नाम हुआ? कैलाश सा। किस वार्ड में घर हुआ? 16। तो किसको देख रहे हैं मेयर में? कौन चेहरा पसंद आ रहा है मेयर में? अभी कोई चेहरा पसंद नहीं आ रहा है हमको। 3 दिन के बाद तो वोटे है। वोटे 3 दिन के बाद ही कुछ बताएंगे। अपना पसंद है कि दूसरा लोग कहेगा तब डालिए? जी नहीं, अपना से। अपना से जी हाँ। तो ऐसे पता है कि कौन कौन लोग खड़े हैं? हाँ खड़े पता है, पूरे पता है हमको। क्या, कौन कौन लोग है मेयर पद में? मेयर में जो 30 आदमी खड़े हैं। तो कुछ लोगों का नाम पता है? हाँ, दो चार लोगों के नाम पता है। बोलिएगा नाम। नाम में जैसे सुभन सिंह है, सुभन राय है, ये क्या नाम है इसका, विकास कुमार है, अमीरी लाल मुखिया है, बस यही सबका, और सबके नाम नहीं जानते हैं। वोट देंगे आशुतोष को। आशुतोष को। हाँ। पंखा छाप। पंखा छाप जी हाँ। ये तो उप मेयर में चाचा एकदम मन बनाए हैं कि आशुतोष के देंगे, लेकिन मेयर में अभी मन नहीं बना। और वार्ड कमिश्नर को किसको देंगे? नहीं है। अच्छा, वार्ड कमिश्नर का भी नहीं है। क्या नाम है भैया? रितेश कुमार। और घर कौन सा वार्ड में? 16 में। तो आपका मेयर चेहरा कौन पसंदीदा है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुर्गा छाप को लग रहा है। मुर्गा छाप। और कमिश्नर में, वार्ड कमिश्नर में? अभी इसका नहीं है। उसका उप मेयर में? उप मेयर में अभी तो वो बोले हैं विकास कुमार, तो उप में आशुतोष, आशुतोष बोले। तो आप भी आशुतोष को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, भैया का भी अपना पसंद है, ये इन्होंने तो इनसे मैं पूछ लूँ। चलिए थोड़ा यहाँ पे 2-3 लोग और बैठे, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्ते। क्या नाम है? जमुना पासवान। और आपको पता है कि चुनाव होने जा रहा है, इस बार बूथ पर कितना मशीन रहेगा मालूम है? 3 मशीन रहेगा। जी नहीं, 6 मशीन रहेगी। 6 मशीन रहेगी। 2 पार्षद का, 2 मेयर का, 3 उपमेयर का। और आपके वार्ड में कितने कैंडिडेट है? 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट तो 6 मशीन रहेगा, जहाँ 16 से ज्यादा है वहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है, तो इस बार मेयर में किसको देख रहे हैं? कौन कौन लोग खड़े पता है? मेयर में तो बहुत आदमी खड़ा है, लेकिन 2-4 का नाम मालूम है? दो चार के बताइएगा कौन कौन लोग है। विशाल जी है। अच्छा, विशाल गौरव। मुर्गा छाप। मुर्गा छाप। अच्छा।
आनंद किशोर, उनकी लड़की है, आनंद किशोर की बिटिया है वो, किसान जो नेता उनकी बिटिया है। एक अमीरी लाल राय है, दिलीप खिरार है ना, फिर श्याम नंदन है, और एक कोई डॉक्टर परवीन है, 30 आदमी है, तो उसका कितना का नाम रखेंगे। लेकिन बूथ पर जाएगा वोट, इसमें से आपका कौन सा पसंद है 30 में से? जो अच्छा लगेगा उसको। नहीं, अच्छा नहीं क्या लगेगा, रिश्ता जोड़ना है क्या? नहीं, जो बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा उसी का वोट दिया जाएगा। आपके नजर में कौन बढ़िया काम करेगा? मेरा नजर में हम क्या बतावे, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी चुनाव आ रहा, अभी तक फैसला भी नहीं किए हैं। अच्छा, उप मेयर में किसको देख रहे हैं? नहीं बता सकते हैं सर। कमिश्नर में? कमिश्नर में बैजू पासवान का है। बैजू पासवान जी? अच्छा, वो कहाँ के हैं बैजू पासवान? 16 वार्ड। चलिए, तो इनका कमिश्नर में अभी फैसला किए हैं, उप मेयर और मेयर का फैसला नहीं हुआ। क्या नाम है चाचा? रुदल पासवान। रुदल पासवान। घर कौन वार्ड में है? 21 में। 21 में। तो आप किसको देख रहे हैं मेयर पद में, किसको पसंद कर रहे हैं? मुर्गा। मुर्गा। और उप मेयर में? मेयर में था क्या नाम है उनका, पंखा छाप। पंखा छाप। और कमिश्नर में? कमिश्नर में था खजूर छाप। खजूर छाप। क्या नाम है उनका खजूर छाप का? सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी। तो चलिए, चाचा का तो इनका अभी तीनों चीज इनका जो क्लियर है, मेयर भी क्लियर है, उप मेयर भी क्लियर है, और कमिश्नर भी क्लियर है। थोड़ा साइड हो जाओ, रास्ता दे दो उनको। क्या नाम है चाचा आपका? गणेश पासवान। घर कौन वार्ड में? 16 वार्ड में। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं मेयर में? मेयर में हम पसंद करते हूँ मुर्गा छाप। मुर्गा छाप को? आप भी मुर्गा छाप? दिया हुआ का मुर्गा उर्गा खाने के लिए? नहीं, आदमी ठीक है, मुर्गा उर्गा नहीं दिया है। और कमिश्नर में? वार्ड में तो बैजू के दे रहे हैं पासवान। और उप मेयर में? चुलाई के आशुतोष कुमार। पंखा छाप। पंखा छाप। तो चलिए, इनका भी तीनों क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से फिर दूसरे ओर चलते, कुछ नौजवान लोग हैं, मैं उनसे बात कर। क्या नाम है बाबू? क्या नाम हो गया? अरुण कुमार। वोट है आपका? वोट है। पहली बार डालेंगे कि दूसरी बार? दूसरी बार डालेंगे। दूसरी बार डालेंगे। कितना उम्र हो गया? 28 साल है। 28 साल है, लगते तो नहीं हो बाबू 28 साल के। तो इस बार आपको पता है कि मेयर में, उप मेयर में कितने कैंडिडेट खड़े हैं? उप मेयर में 32 है, उप मेयर में 33 कैंडिडेट है टोटल। मेयर में 32 है। मेयर में 30 है? 32 फाइनली 30 है। अच्छा, उप मेयर में 33 है। उप मेयर में 33। जी जी। और आपके वार्ड में प्रत्याशी कितने हैं? 14 है। 14 है जी। तो मशीन कितने होंगे बूथ पे? बूथ पे वार्ड में एक होंगे, वार्ड में एक होंगे, मेयर में 2 होंगे, वो मेयर में 3 होंगे, यानी 6 होगा। तो बहुत लोग इस बार गड़बड़ा भी जाएंगे वोट डालने, अक्सर महिला लोग गड़बड़ाएगी। हाँ। जी, खास करके मुझे लग रहा कि यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ ना पड़ जाए, ऐसा ही। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं मेयर में? कौन कौन सा चेहरा, उनका नाम मालूम है? सर, मेयर में हम लोग सुभंश राय जी के साथ है। सुभंश राय जी के साथ है? सुभंश राय जी को क्यों साथ है? सुभंश राय जी के साथ पूर्व सभापति रह चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। पूर्व सभापति रह चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग उनके साथ है। तो जरूरी नहीं ना कि जो एक्सपीरियंस होगा, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक SP बना था, जिंदगी भर वही SP रहेगा, कि आपको भी मौका मिलना चाहिए? नहीं सर, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना। तो एक्सपीरियंस तो गेन किया जाता है, सीखा जाता है, है ना। चलिए, वो आपके अपनी मत में ऐसी आप जो पूछ लिया। और उप मेयर में किसको पसंद? उप मेयर में आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार जी, टेबल फैन छाप है। अच्छा, 6 नंबर पे है जी। और कमिश्नर में? अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो इन इस बाबू का 2 जो है मेयर और उप मेयर जो इनका क्लियर है, पर कमिश्नर में क्लियर। अच्छा, एक चीज बताओ, आप तो नौजवान हो, पढ़े लिखने वाले लोग हो, रोजी रोजगार की भी जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि सीतामढ़ी में क्या मूलभूत जो सुविधाओं की क्या कमी है? सुविधा की तो बहुत सारी कमी है। कैसे? जैसे पहले जल जमाव की कमी हो गया, ट्रैफिक हो गया, बहुत सारे नाले की कमी है, बहुत सारी कमी है बताने। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, पूरा मोहल्ला में निकलिए अंधेरा अंधेरा है, रोड में कुछ है, किसी गली में घुस जाइए पूरा अंधेरा अंधेरा ही रहता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो कमिश्नर जीता अपना गली में बना लेता, दूसरा का छोड़ देता है, सही है कि गलत है? तो जो भी कमिश्नर जीता या जीता होगा या जीते होंगे, सारा लोग जैसे इंदिरा आवास, बहुत सारे लोगों में लोग पैसा लेता है तो भी देता है, पैसा लेता है, घुस लेता है। ये मतलब ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है ना, लेकिन कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहता है। नहीं, बहुत जो विभाग है,
जो सच्चा वो बोलना चाहे, जिसके मन में चोर होता वो नहीं बोलता, जो सच्चे लोग होंगे वही कैमरा के आगे बोलेंगे, ठीक है। जिसके मन में चोर होगा कि मैं भी खा रहा हूँ और वो भी खा रहा है तो आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, या आपको क्या लग रहा है कि बिहार में नौकरी पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है, नहीं है। और शराबबंदी आपको कैसा लग रहा है, अच्छा कि बढ़िया? शराबबंदी तो अच्छा है लेकिन लागू स्तर पे नहीं है। लागू नहीं है जी? नहीं, मिलता है आपके यहाँ शराब? सारा लोग जानता है, क्या बताने को। चलिए, कैमरा के आगे बहुत बड़ी बात है कि भैया बिहार में शराब बंद है पर होम डिलीवरी भी है। चलिए, तो ये कहने के लिए, क्योंकि हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं पियोगे तो मरोगे, यानी कि वो भी मान रहे हैं कि भैया बिहार में शराब मिलता है, अगर नहीं मिलता तो पीता है कहाँ से लोग, तो इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग अपना जो चुनावी सफरनामा दूसरे वार्ड की ओर लेके चलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।